तुम क्या आपसे नूर के साथ रहोगी वाकई में? हाँ, नूर बेचारी यहाँ पर बेजार हो गई थी अकेले, वो बहुत खुश हुई। और इसकी वजह क्या है? क्या मतलब, कैसी वजह? यानी किसने इजाजत दी है तुम्हें, किसका फैसला था ये? ये तो आयतुल साहबा का फैसला था। आप मुझसे नाराज हो गए क्या? आपसे पूछे बगैर मैं अचानक यहाँ आ गई, माजरत चाहती हूँ, लेकिन आयतुल साहबा ने जब ये पेशकश की तो मैं बहुत खुश हो गई थी। यानी नूर और मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था, तभी मुझे लगा कि इस फैसले से आपको खुशी होगी और कुछ नहीं। कोई बात नहीं, मैं सामान वापस पैक कर लेती हूँ। अच्छा बस बस ठीक है, मुझे तुमसे क्यों तकलीफ होगी? जहाँ चाहो तुम रह सकती हो, सर्वेंट क्वार्टर में या फिर इस घर में, क्या फर्क पड़ता है इस बात से? बिल्कुल, मैं यहाँ हूँ या वहाँ क्या फर्क पड़ता है। ऐसे ही है। अच्छा खैर, कर लो तुम अपनी सेटिंग्स। ओके तो मिलते हैं। अलमास क्यों है यहाँ, क्या काम है उसका? अलमास क्यों आई है यहाँ आंटी, किस लिए? वो मेरी खास असिस्टेंट के तौर पर अब वो बैन अलाक्वामी खतों खिताबत को आसानी से मॉनिटर करेगी, वक्त का फर्क वगैरह हर काम पर मौजूद होगी। क्या बकवास है ये? किससे पूछिए बुलाया आपने उसे यहाँ? कौन सी अब ये नई चाल है? क्यों बुलाया उसे? तुम्हारी वजह से। अलीना नूर के दरवाजे पर से नजर नहीं हटाती और तुम हर मौके पर उसके दरवाजे पे पहुंच जाते हो, तो मुझे भी मजबूरन ऐसा करना पड़ा। क्या करती, कोई गार्ड खड़ा कर देती या उस लड़की को अपने कमरे में ले आती? यानी आप अलमास को मेरे और नूर के बीच गार्ड बनाना चाहती हैं, वाकई में? मजबूरन? आंटी हम कोई बच्चे हैं क्या? हा? नूर और मैं हर चीज का ध्यान रखते हैं, मगर आपको कुछ भी नहीं दिखाई देता। अली प्लीज मेरा मुंह मत खुलवा, मैंने कितनी बार तुम्हें उसके कमरे से निकलते हुए देखा है। और मुझे भी उस घर के एक एक फर्द को यहाँ लाकर रखने का कोई शौक नहीं है। नूर भी बहुत खुश है, आखिर उसकी कजन है वो। मगर मैं तो खुश नहीं हूँ आंटी। और अब देख लेते हैं कि नूर भी कितना खुश है। कहाँ है वो? नूर शॉपिंग पर गई है अलीना और सिनान के साथ। क्यों? जब वापस आएंगे तो खुद ही पूछ लेना कि वो कितनी खुश थी जाते हुए, और अब इसका भी हिसाब मुझसे लोगे जैसे मैंने भेजा है। खैर, और ये अलमास वाले मामले को जितनी जल्दी हो सके खत्म करें, उसे थोड़े दिन रहने दें यहाँ, उसके बाद कोई भी बहाना करके निकाल दीजिएगा। ये मोहब्बत बदुआ बन गई है।